कहाँ छिपाए वे कोबरे, बाहर निकल, देख स्कॉर्पियन आया है, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी माँ को मारा है ना, आज तो तू मरेगा मेरे हाथों से। देखो कहाँ बैठा हुआ मुझसे डर कर, आ वे आ, हिम्मत है तो मेरे पास आ, इतना मारूंगा ना तुझे कि तेरे रूह कहाँ फूटेगी, गलत आदमी से पंगा लिया है तूने। अरे क्यों बुला रहा है हमें, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अबे तूने मेरी माँ को मारा है ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं वे। अबे ना मैं तुझसे डरता हूँ और ना ही मैंने तेरी माँ को मारा है, भला मैं क्यों मारने लगूंगा, मैं तो फ्री फायर का रक्षक हूँ ना, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। तुम मुझे बहका नहीं सकती हो वे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, स्कॉर्पियन तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, तुमने ही मारा है मेरी माँ को, डॉक्टर ने बताया है कि तुमने ही मारा है मेरी माँ को और मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। वाह वाह, किसी ने कहा और तुमने मान लिया, लेकिन तुम मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था और क्यों तुम इस गलत राह पर चले हो। ये उस टाइम की वक्त है जब मैं स्कॉर्पियन नहीं बना था, अब माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से करूँ, मैं सब लोगों से मांग बैठा हूँ, बस मेरा एक दोस्त बचा है, अगर वो मेरा साथ दे देना तो मेरी माँ का इलाज हो सकता है, मैंने भी उसकी मुसीबत में हेल्प की थी, पता नहीं अब वो मेरी करेगा या नहीं करेगा। अरे माँ ठीक हो ना, थोड़ा आराम पड़ा? बेटा बेटा मैं थक चुकी हूँ, तुझे और कष्ट में नहीं देख सकती बेटा, मुझे तो अभी यूँ लग रहा है कि मैं तुझ पर बोझ हूँ मेरे बेटे। नहीं माँ ऐसा मत कहिए, आपने भी मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है और मैं आपको जिंदगी भर नहीं रह सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं है माँ, आखिरकार आप मेरी माँ हो, कोई पराई थोड़ी हो जिसके लिए मैं ऐसा कहूँगा। माँ आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, आप ठीक हो जाएंगे माँ, निश्चिंत हो जाइए आप। लेकिन बेटा तू पैसे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा, दवाइयाँ इतनी महंगी आती है। माँ मेरा एक दोस्त है ना, वो मेरी मदद जरूर करेगा, मैंने भी उसकी मुसीबत में मदद की थी, वो ही शायद मेरी कर दे। ठीक है बेटा जैसे तुझे अच्छा लगे, लेकिन मेरा बेटा कुछ गलत काम मत करता मेरे लिए। जी माँ आप आराम कीजिए, माँ चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा माँ। ठीक है माँ मैं जा कर आता हूँ, आप आराम कीजिए, जल्दी चलता हूँ यार। यही है मेरे दोस्त का होटल, मैंने भी उसकी मुसीबत में मदद की थी, अगर वो भी मेरी कर देना तो और क्या चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरत है अभी पैसों की। वो रहा वो, अरे राधे मेरे भाई राधे, क्या कर रहा है तू? अरे भाई, अरे तू आ गया? हाँ भाई मैं आ गया हूँ। अरे हाँ भाई बता, तू बहुत घबराया हुआ लग रहा था, क्या मदद चाहिए तुझे? अरे भाई तुझसे क्या छुपाना, मेरी माँ बीमार है तो मुझे किस पैसे चाहिए। अरे भाई यार मैं कहाँ से पैसे दूंगा, मेरे पास नहीं है भाई पैसे, मेरे को खुद लाने पड़े हैं, मैं नहीं दे सकता भाई, मुझे माफ़ कर दे। अरे भाई अब मैं क्या करूँ यार, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी की ज़रूरत है और मुझे पता है कि मेरी मदद सिर्फ ये कर सकता है। अरे सुनो। हाँ सर बोलिए, क्या हुआ, आपको कुछ मदद चाहिए क्या? अरे मुझे तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ सर कुछ नहीं, मुझे ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत है। अरे मैं मदद कर दूंगा तेरी, बस बदले में मुझे भी कुछ चाहिए तुझसे। बोलिए सर क्या चाहिए आपको? तुझे मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, बोल मंजूर है ना तुझे? जी सर मंजूर है, वैसे भी मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप बेशक मुझे मार ही डालिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुझसे काम है ना कि तेरी डेड बॉडी से, इसलिए चल तेरी सारी मुसीबतों को मैं देख लूंगा, तू मेरी लैब में चल, तैयार है ना तू? मैंने जो जो कहा है, बस कुछ ही पलों में मैं वो मशीन ऑन करते ही तेरे साथ वो होने लगेंगे सिम्टम्स, लेकिन तू घबराना मत क्योंकि तेरी बॉडी वो चेंजेस खुद ब खुद अडोप्ट कर लेगी, तैयार हो जा तू, कुछ ही पलों में तू एक आम इंसान से एक सुपर हीरो बनने के लिए तैयार है, मैंने चालू कर दी है मशीन, अब तैयार हो जा। सर ये क्या होने लग पड़ा है सर, मेरे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। यही तो मेरी एक दवाई का काम है। ठीक है सर, अरे क्या हो रहा है?
अरे ये मैं क्या से क्या हो गया, मुझे अपने अंदर इतनी शक्तियाँ क्यों महसूस हो रही है। मेरा एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हो ही गया, बरसों से इसकी तलाश कर रहा था मैं। लेकिन बेटा मैं तुझे एक बात बताने चाहता हूँ। बोलिए सर, क्या हुआ? मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ को नहीं बचा पाया, उस कोबरा ने तेरी माँ को मार दिया। कोबरा? वो यहाँ का सुपर हीरो, वो मेरी माँ को क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, शायद उसे डर था कि मैं तुझे उससे भी शक्तिशाली बना दूंगा, इसलिए उसने तेरी माँ को ही मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मार नहीं सकती है, मैं उस कोबरा को छोड़ूंगा नहीं। कोबरा ही नहीं, तेरी माँ को मारने में इस दुनिया का भी उतना ही आस है, इसलिए इस पूरी दुनिया को तबाह कर दे। छोड़ूंगा नहीं उस कोबरा को, और इस दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। आ रहा हूँ कोबरा तेरी मौत बनकर, तैयार हो जा मरने के लिए, आ रहा हूँ मैं। मेरी चाल आखिरकार सफल हो ही गई। ऐसे हुआ था मेरे साथ, और तुम कोबरा मेरी माँ को मार कर बच पाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, भला मैं क्यों मारूंगा? सच्चाई का पता मैं अपनी दिव्य दृष्टि से लगाता हूँ, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें स्वयं सच्चाई का पता चल जाएगा। देखो मेरी आंखों में। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में। तो ये रहा उसका घर, ये है उसकी माँ, इस बुढ़िया को बचाने के लिए कह रहा था। अरे अरे तुम कौन हो, कौन हो तुम? मैं तेरा काल हूँ बे, काल हूँ मैं तेरा। हा, 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 हा। तेरे बेटे ने तुझे बचाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तेरी मौत से ही मेरा मकसद पूरा होगा। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और मेरे बेटे को भी बख्श दो, हम माँ बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मार बे बुढ़िया। मर गई, मर गई बुढ़िया साली, अब उसकी कोई कमजोरी नहीं रही है, वो अब उस कोबरा को भी जल्दी खत्म कर देगा, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची अब। तो ये सब हुआ था मेरे भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे उसी साइंटिस्ट ने मारा है। छोड़ूंगा नहीं मैं साइंटिस्ट तुझे, गद्दारी करता है मेरे साथ, मार डालूंगा उसे कोबरा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर गलत इल्जाम लगा रहा था, अब उस साइंटिस्ट को छोड़ूंगा नहीं, गद्दारी किया उसने मेरे साथ, मेरी माँ को मारा है, आ रहा हूँ साइंटिस्ट, आ रहा हूँ। बेचारे की आंखों में उस साले साइंटिस्ट ने पट्टी पड़ा रखी थी, लेकिन चलो आखिरकार जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वो खुद अपनी माँ की मौत का बदला ले लेगा उस साइंटिस्ट से। अबे साइंटिस्ट, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट किया जा, और मेरी माँ को मारकर तू आराम से बैठा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, मार डालूंगा कुत्ते। अबे क्या कह रहा है तू स्कॉर्पियन, दिमाग ठिकाने पर तो है तेरा, मैंने कहा था ना तुझे कि उस कोबरा ने मारा है तेरी माँ को। हम मुझसे सच्चाई तू छिपा नहीं सकता है वे, मैंने तुझे अपना समझा और तूने मेरी ही माँ को मार डाला, क्यों आखिरकार क्यों वे? ओह तो तुझे उस कोबरा ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी, लेकिन तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझे बना सकता हूँ तो बर्बाद भी कर सकता हूँ। तूने गद्दारी की है मेरे साथ वे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साइंटिस्ट। कहाँ गया वे कुत्ते, ये कहाँ चला गया, कहाँ तक जाएगा, मुझसे बच नहीं पाएगा, स्कॉर्पियन की ताकत को जानता नहीं है ये। वो रहा साला साइंटिस्ट, अबे यहाँ क्या खड़ा है, आ मेरे सामने, अबे तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते, क्योंकि मुझसे तू भाग नहीं पाएगा, याद रखना स्कॉर्पियन की ताकत कितनी है। अबे मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, रुक अभी तेरी मौत का सामान लेकर तेरे पास आया। हाँ 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 मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ पाएगा तू मेरा, मरेगा मेरे हाथों से आज तू। ले बे आ गया मैं, बहुत बकवास कर ली तूने जितनी करनी थी, तू जानता नहीं है स्कॉर्पियन की ताकत को, तूने ही बनाया है मुझे, अब तेरा ही सर्वनाश करेगा ये स्कॉर्पियन। मैं बना सकता हूँ तुझे,
तो तुझे खत्म भी कर सकता हूँ। इसलिए इस बंदूक में ऐसी गोली है ना जो तेरे सीने में लगता ही तेरे प्राण खींच लेगी। अच्छा देखता हूँ कैसे खींच पाती है मेरे प्राण मुझसे। जब तक स्कॉर्पियो मेरे साथ है ना और स्कॉर्पियो की ताकत है तब तक मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकता वे। और ये शील्ड वगैरह भी तेरी कोई तुझे नहीं बचा सकती है, याद रखना। अरे ये शील्ड तो टूट गई, अब क्या होगा? अब तू मरेगा मेरे हाथों से बे। तैयार हो जा, मैं निकले। तू तो मर गया लेकिन अभी और भी जो पाप करेगा इस शहर में उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियन से पंगा जो भी लेगा वो बचेगा नहीं। मार डालूंगा जो भी हमसे टकराएगा, मार डालूंगा। उस कोबरा ने हम पर बहुत आतंक मचाया है लेकिन अब रैम्पेज को मैं कोबरा बना दूंगा ताकि ये शहर हमारा हो सके। तैयार हो रैम्पेज? तुम्हारा प्लान सफल हुआ बोया। फाइनली मुझे उस कोबरा का रूप मिल चुका है। बहुत अच्छे, यही चाहता हूँ मैं। बस अब हमारा काम है उस कोबरा का खात्मा। जाओ और जाकर पहले तुम स्कॉर्पियो की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लो ताकि वो स्कॉर्पियो उस कोबरा को खत्म कर सके, समझिए ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब ये उस स्कॉर्पियो की गर्लफ्रेंड को किडनैप करेगा और वो स्कॉर्पियो ओरिजिनल कोबरा को मार देगा। स्मृति, माँ के जाने के बाद तुम ही एक मेरी साथ हो। तुमने मेरी हर मुसीबत में साथ दिया है इसलिए मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्मृति। तुम्हारे लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, जान देने की बात मत करो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए स्कॉर्पियन, मुझे बस तुम चाहिए, तुम। ठीक है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ स्मृति, लेकिन अपना ध्यान रखना क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम्हारे भी दुश्मन कहीं बढ़ जाएंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना स्मृति। ठीक है स्कॉर्पियन, अभी मुझे जाना है, बाय। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, मैं कह दे रहा हूँ। हाँ बाय बाय। भगवान इसकी रक्षा करना और मुझे शक्तियाँ देना। चलो यार चलती हूँ, घर जाती हूँ, पापा डांटेंगे, कहेंगे कि कहाँ थी इतनी देर। चलो कोई ना। अरे ये कौन है? ये तो कोबरा लग रहा है, चलो उतर कर देखती हूँ। अरे रुक जाओ, रुको। अरे कोबरा क्या हुआ, मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? कुछ जरूरी काम था क्या मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे जरूरी काम था। हा, 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 हा। तुम ही से था। तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा मैं ताकि उस स्कॉर्पियन से मेरा बदला पूरा हो सके। साले ने जब से आया है मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, वो भी तो फ्री फायर का भला ही चाहता है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। अरे अरे तुम तो कोबरा नहीं हो, तुम तो रैम्पेज हो, रैम्पेज, उसका भेष बदला है तुमने। हाँ सही समझे तुम, मैंने उसका भेष लिया है ताकि तुम्हारा वो स्कॉर्पियन नाशिक मुझे कोबरा समझकर उस पर हमला कर दे और आपस की लड़ाई में वो दोनों मर जाए, फिर मेरा राज होगा। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा मैं ताकि वो दोनों आपस में ही लड़ मरे। चलो। मेरे और कोबरा के रहते हमारे इलाके पर कोई भी आतंक नहीं मचा सकता है। जब तक हम यहाँ आए ना तब तक हमारा इलाका सुरक्षित है और कोबरा मेरा भाई है, उसके लिए मैं जान भी ले सकता हूँ किसी की क्योंकि उसने मेरी हर मुसीबत में साथ दिया है, इसलिए मैं भी उसकी हर घड़ी साथ दूंगा। अरे ये इलाका इतना सुनसान क्यों लग रहा है, लेकिन कहाँ गए हैं यहाँ के लोग? खाली खाली लग रहा है पूरा इलाका, यहाँ कौन आतंक मचा रहा है? अब कौन आतंकी आ गया होगा यहाँ पर, कौन शैतान आ गया होगा? छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो भी आया है मार डालूंगा उसे भी मैं।
जानते नहीं उसने किससे पंगा लिया है, मार डालूंगा। अबे नीचे आओ बे स्कॉर्पियन, तुमसे कुछ बात करनी है, नीचे आओ। हा, 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 हा। अरे ये कौन है वे? आया मैं, कौन हो वे तुम? रुको दो मिनट, पता नहीं कौन बुला रहा है। आ रहा हूँ मैं, इंतजार करो मेरा। ठीक है आता हूँ अभी। बोलो क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे मुझे? अबे स्कॉर्पियन तुम्हें पता लगा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है उस कोबरा ने। तुम उसके गुणगान गाते जाओ और उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है वे, वो मेरा भाई है और मेरा भाई मेरी पीठ में खंजर नहीं घोंप सकता है, समझ गया क्या? ऐसा ही हुआ है, जा जा कर देख ले पहले। ठीक है जाता हूँ। फंस गया मेरे इस चाल में ये, अब ये दोनों लड़कर मर जाएंगे। आ, 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 आ। तुम मुझे भले ही उठा कर ले आए हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा स्कॉर्पियन जरूर आएगा मुझे बचाने, जरूर आएगा, तुम देख लेना, फिर तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे। हा, 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 हा। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, लेकिन तुम शायद जानती नहीं कि इस इलाके की खबर किसी को नहीं है, सिर्फ मैं जानता हूँ इस जगह की लोकेशन। ना ही बोया, ना ही कोबरा और ना ही वो तेरा आशिक स्कॉर्पियन इस जगह से बात तकल्लुफ है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आ सकता बे। और तू ज्यादा सपने मत देख कि तुझे कोई बचाने आएगा, तुझे मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं दिखेगा बे, ये बात दिमाग में डाल ले। हाँ तुम भी डाल लेना, लेकिन मेरा स्कॉर्पियन जरूर आएगा, तुम भी देख लेना। हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ। ये है कोबरा का इलाका, वो रहा कोबरा, ये मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर यहाँ मजे कर रहा है। इसको भी बताता हूँ कि आखिरकार इसने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप क्यों किया है। अबे कोबरे आ रहा हूँ। वे रुक, तू वहीं रुक, तेरी तो आज खैर नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था ना पिछली बार, तो छोड़ दिया था क्योंकि तूने मेरी माँ को कुछ नहीं किया था, लेकिन आज तूने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है कोबरे। अबे कोबरे। अरे क्या हुआ स्कॉर्पियन, क्या बात है? अबे तूने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप क्यों किया है अबे? अरे गर्लफ्रेंड, मैंने किसी को नहीं किडनैप किया, भला मैं क्यों किडनैप करने लगूंगा, पागल वागल हो गया है क्या वे तू? अबे तो वो बोया क्या बोल रहा था, वो गलत बोल रहा था क्या? अरे क्या उसने क्या कहा तुझसे? उसने बोला कि तू कोबरा मेरी गर्लफ्रेंड को उठा कर ले गया है। मैंने नहीं उठा कर ले आया हूँ तेरी गर्लफ्रेंड को, मैं तो यहाँ पर दुश्मनों का सर्वनाश करने आया हूँ, जरूर इसके पीछे भी किसी की साजिश होगी ताकि वो हम दोनों को लड़ा सके और खुद हमारी लड़ाई का फायदा उठा सके। मैंने नहीं किया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है जो हम दोनों को लड़ाना चाहता है? एक ही आदमी है जो कि किसी का भी भेष बदल सकता है, वो है रैम्पेज। तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपनी समस्या का हल मिलेगा, जरूर उसने ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया होगा। ठीक है मैं देखता हूँ अब जाकर उस रैम्पेज के पास, अगर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है ना तो वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मार डालूंगा उसे मैं, मार। मुझे और पावर चाहिए, और जिससे मैं उन दोनों को खात्मा कर सकूं। अगर साले दोनों खुद में ना लड़े ना तो मैं दोनों को मार दूंगा सालों को, लेकिन अभी अभी मुझे जाना पड़ेगा, तुझे यही छोड़कर जाता हूँ और अपनी सुरक्षियों का सुरक्षा घेरा भी पैदा कर जाता हूँ। ठीक है फिर जा रहा हूँ। अरे ये तो चला गया, अब मेरा क्या होगा? कहाँ हो स्कॉर्पियन, तुम कहाँ हो? बचाने आओ मुझे स्कॉर्पियन। आखिरकार आ गया हूँ उस रैम्पेज के इलाके में, कहाँ है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये शक्तियों को बढ़ाने का घेरा किसने पैदा किया है उसी का काम है लगता। अरे वो रहा, अरे ये तो कोबरा है, कोबरा यहाँ क्या कर रहा होगा? पता नहीं यार, शक्तियाँ बढ़ा रहा है लेकिन कोबरा अपनी, साला मुझसे गद्दारी कर रहा है, बोलता मैं नहीं हूँ वो ही है, रैम्पेज नहीं हो सकता, ये लग तो नहीं रहा है रैम्पेज ये। अरे नहीं ये रैम्पेज ही है, वो कोबरा का वेश बदल कर बनाया कर मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है उसने,
उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा। अबे रैम्पेज, तू तो गया मेरे हाथों से, स्कॉर्पियन के हाथों से। अब तू बचेगा नहीं, मरेगा मेरे हाथों से। अबे कौन चिल्ला रहा है अबे? हमें मारने की बात हो रही है, लेकिन तुम जानते नहीं हो हमारी शक्तियां अब बढ़ चुकी है, तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। अच्छा ये बात है, तुम मरेगा मेरे हाथों से बे, गलत इंसान से पंगा लिया तूने। स्कॉर्पियन की पावर को तू जानता नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं कोबरा को चकनाचूर कर सकता हूँ, तू भी तो फिर भी रैम पे जावे। अबे साले, तेरे बस अभी माथे पर शक्तियों की पट्टी पड़ी है, तू जानता नहीं कि हम कितने पावरफुल हैं। अच्छा, लेकिन तू भी नहीं जानता है कि स्कॉर्पियन क्या कर सकता है। स्कॉर्पियन के एक डंक से ना तू मर जाएगा, समझ रहा है क्या? अबे सुन, तुझे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, लेकिन हमें अपनी शक्तियां देवताओं द्वारा प्राप्त हुई है, तो फिर सोच ले कि किसकी शक्ति कितनी ज्यादा होगी। अच्छा तू सोचते रहे, और अब मैं तुझे मार डालूंगा, याद रखना, तैयार हो जाना और मरने के लिए। तू भले ही मुझे मार दे, लेकिन ये मत भूल कि तेरी प्रेमिका भी हमारे जंगल में है। ढूंढ लूंगा मैं अपनी प्रेमिका को, लेकिन तुझे तो मैं बख्शूंगा नहीं। तूने मेरी प्रेम का कुछ स्नैप किया था ना, तुझे तो मार डालूंगा बे। गलत इंसान से पंगा लिया है तूने, स्कॉर्पियन से पंगा लिया है। हमसे पंगा लेना यानी मौत है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। वह ये ले मेरी पावरें, सहन करना मेरी पावरें कर सकता है तो, याद रखना, ये ले बे कुत्ते। ये तो मर गया, अब इसने स्मृति को कहाँ छुपाया होगा। उसे चलता हूँ ढूंढने, और अगर वो मिल गई ना तो मुझे पता लग जाएगा और किसका हाथ है उसे किडनैप करने में। उसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके ये पूरा इलाका मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम हैं यहाँ के बॉस आने वाले बोया, और हमसे जो टकराएगा ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बच के रहना कोबरा, क्योंकि तुमने अगर उस स्कॉर्पियन ने नहीं मारा तो अब मैं मारूंगा तुम्हें। स्मृति का पता अभी तक नहीं लगा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक मेरे से दूर नहीं रह सकती है। मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, कहीं नहीं, कोई भी नहीं छुप पा सकता है उसे मेरे से, यहीं से आ रहा है एक साला वो गुंडा, उसको शायद पता होगा स्मृति के बारे में, वो आ रहा है। रुक वे रुक कुत्ते, कहाँ जाने की जल्दी लगी हुई है। अबे गाड़ी के आगे क्या कर रहा है बे, मरना है तुझे क्या? कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड स्मृति, बता वे जल्दी बता। अबे मैं नहीं जानता तेरी गर्लफ्रेंड को कौन स्मृति। चुपचाप से बता दे, क्यों मरना चाहता है मेरे हाथों से। अबे तुझे कितनी बार कहा मैं नहीं जानता हूँ किसी स्मृति के बारे में, पता नहीं तू भी कहां से आ गया। हट, मुझे देरी हो रही है, काम को जाना है। तू ही किडनैप करता है लड़कियों को, नहीं बताएगा ऐसे तू। मुझे क्रोध मत दिला, अगर मुझे क्रोध आ गया ना तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा बे। अबे हट जा सामने से, नहीं तो गाड़ी चिरा दूंगा तेरे सीने पर। चढ़ाम पर गाड़ी, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं मानेगा तू, अब देख मेरी पावर। ये तो मर गया, लेकिन अब मुझे कौन बताएगा कि स्मृति कहाँ पर है? अब मैं कहाँ से पता करूँ कि स्मृति कहाँ है? स्मृति कहाँ हो तुम? लेकिन तुम्हें स्मृति मैं ढूंढ कर ही दम लूंगा, याद रखना। आ रहा हूँ मैं स्मृति तुम्हारे पास ढूंढने, तुम्हें आ रहा हूँ। अरे स्कॉर्पियन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे कोबरा भाई तुम, हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें, बोलिए। मुझे पता चला है कि तुम्हारी स्मृति अभी तक नहीं मिली है। हाँ भाई, नहीं मिली है, तुम्हें बोला तो था कहीं से पता करो, लगा कुछ उसके बारे में पता। भाई पता तो मुझे भी नहीं लगा है, लेकिन तुझे पिछली बार भी उस बोया ने दी थी ना इन्फॉर्मेशन, तो इस बार भी उसी से जाकर पूछ, वही तुझे तेरी स्मृति का पता बताएगा। हाँ भाई, उस रैम्पेज को तो मार दिया है, लेकिन अब पता नहीं स्मृति कहाँ छुपा कर रखी है उसने।
ये तो चला गया, लेकिन प्यार के चक्कर ने इसने काफी तबाही मचा रखी है। मुझे ये सुधार करना पड़ेगा, अब इसने तो काफी आतंक मचा रखा। हा, 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 हा। बहुत अच्छे मेरे शागिर्द, बहुत अच्छे। तुमने आखिरकार बता ही दिया इस लोडिया के बारे में, स्कॉर्पियन के गर्लफ्रेंड के बारे में। बहुत शानदार। वो रैंपेज साला तो हमसे छुपा रहा था इसको, लेकिन तूने बता करना अपना अपनी वफादारी का प्रणाम दे दिया है। बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। अरे बॉस, अगर आपकी दुआ रहेगी तो मैं ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूंगा ना बॉस। हाँ, मेरी दुआ है, मेरा हाथ सदा तुम्हारे साथ है वे। लेकिन इस जगह का पता स्कॉर्पियन को लग जाएगा, इसलिए हमें इस लोंडियों को लेकर किसी और जगह जाना पड़ेगा। और बहुत फड़फड़ा रही है, इसे उस साली को कैद करके रखना पड़ेगा। सही कह रहे हो बॉस। अरे तुम्हें उसने अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम ही आस्तीन का सांप निकलोगे। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो रामपेज को दोषी मान रही थी, लेकिन असली दुश्मन तो उसके तुम हो। तुम हाँ, मैं हूँ असली दुश्मन। ज्यादा बड़बड़ मत कर बे लोंडिया, चुपचाप से हमारे साथ चल। मैं जा रहा हूँ शागिर्द, तुम ध्यान रखना यहाँ पर। अरे बोस तो चले गए यहाँ से, अब मुझे ही यहाँ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो स्कॉर्पियन यहाँ आ भी गया ना, तो साले को गोली से उड़ा डालूंगा। उसकी मौत का बंदोबस्त तो मैं कर ही रखूंगा। अबे सुन बे पंटर, तूने साला इंतजाम कर दिया ना, जैसे मैंने तुझे बोला था वैसा ही का वैसा। हाँ बोस, कर दिया मेरे सारा इंतजाम, चिंता मत कीजिए। मैं अब तो वो, अगर स्कॉर्पियन जंगल के रास्ते से आएगा ना तो मारा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। शाबाश, सारा रास्ता कवर कर दिया है हमने, पहाड़ों पर भी स्नाइपर लगा दिया, नदियों में भी, और जंगल का रास्ता भी कवर कर लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा उसके पास, मारा जाएगा वो तो। हा, 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 हा। अरे ये क्या, तुम कहाँ से आ गए? अरे बोया कहाँ पर है, उसके मिलने आया हूँ। और तुम लोग कौन हो बे, ये उसका अड्डा नहीं है क्या बोया का? अबे अड्डा तो उसका ही है, लेकिन तुम कहाँ से टपक पड़े यहाँ? तुम्हें कहीं पता तो नहीं लग गया? क्या पता लग गया बे, क्या बोल रहे हो तुम लोग? और यहाँ जंगल में बंदे कौन बिठा गया बे मुझे मारने के लिए? और ये स्नाइपर, सभी को मार के आया हूँ बे मैं। स्कॉर्पियन है मेरा नाम, और ये बंदा कौन है वे? इसकी तरह ही थे वो जंगल में सारे बैठे। कौन है वे तू? अबे मैं तुझे मारने आया हूँ वे कुत्ते, तू तो गया। मुझे मारेगा? अबे कहाँ है बोया, और तुम लोग वे मुझे क्यों मार रहे हो वे, क्या चाहते हो मुझसे? तो तुझे अभी तक वो सच्चाई नहीं पता है कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है? अबे क्या हुआ है वे, मेरा भाई बोया कहाँ पर है, और मुझे क्यों मार रहे हो कुत्तो? तुम्हें पता नहीं है स्कॉर्पियन से टकराने का अंजाम क्या होता है, सिर्फ मौत। जल्दी बोल कहाँ है बोया। मैं कुछ नहीं बताऊंगा उन सब के बारे में, मैं तो चला भाग जाऊंगा। कहाँ भाग रहा है ये ले? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। पहले बता तू मुझे क्यों मारना चाहता है, जल्दी बोल। अरे वो बोया नहीं कहा था, उसने ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें पता चल चुका होगा बचक। ऐसा मत बोलो, वो तो मेरा भाई है, वो ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? उसी नहीं किया है, मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बोया बोया बोया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं वे, तू गद्दार कहेंगे, तुझे मैंने अपना समझा, और तू तो गधा निकला, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं आ रहा हूं बे। तेरा क्या होगा बे लोंडिया, वो स्कॉर्पियन तो मार डाला होगा मेरे साथियों ने, और अब तू भी मरेगी मेरे हाथों से बे। बोया है हम, बोया ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और वो तो स्कॉर्पियन है। हा, 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 हा। क्या हो रहा है वे बोया, तुझे क्या लगा कि हम नहीं आएंगे? देख तेरा बाप आ चुका है। अबे तू स्कॉर्पियन, तुझे मेरे अड्डे का पता कैसे लगा? और मेरे साथी ने तुझे मारा नहीं? वो तेरे साथी मुझे मार नहीं सकते वे, तुझे क्या लगा कि वो दो टुटपुंजिये मुझे मार सकते हैं?
साले हमें कोई नहीं मार सकता है, लेकिन तुझे मैं मार सकता हूँ बे। अबे बोया, बोया से टकराने का इल्जाम पता क्या होता है स्कॉर्पियन? मुझसे पंगा मत लेने तो तेरी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। अरे मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करते, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना बे, खुद के लिए उसे छोड़ दो, भगवान के लिए। मैं उसे छोड़ूंगा लेकिन तुझे मारूंगा। लेकिन तुझे बताऊंगा कि तड़पना क्या चीज होता है। तूने मेरे भाई रैम्पेज को मारा है ना, अब तेरी गर्लफ्रेंड को मारूंगा ना, और तब तुझे लगेगा पता तड़पना क्या चीज रहता है। तू तो गई बेलोडिया। अरे ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करना। तुम्हारा भाई आतंक मचा रहा था इसलिए उसे मारा था, लेकिन तू मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करना। ये तो गई मेरे हाथों से, ए ले वे गुतिया मार, ये ले, ये ले मारे मेरे हाथों से, मार। ये तो गई वे, अब तेरा क्या होगा बे, तू भी मरेगा मेरे हाथों से कुत्ते। अबे तूने गलती कर दी है मेरी गर्लफ्रेंड को मारकर, अब तू मरेगा मेरे हाथों से, ये ले बे। ऐसा नहीं हो सकता है स्मृति, तुम मर नहीं सकती हो स्मृति, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ? एक ही तो चीज थी जिससे मैं प्यार करता था, पहले तूने मुझसे मेरी माँ छीनी, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड भी छीन ली। हे भगवान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ऐसी चीजें। भगवान, अगर तूने मेरे ऐसा किया ना मेरे साथ, अब देखना तुम मेरी तबाही। स्कॉर्पियन क्या कर सकता है? कोबरा को चाय देना पड़ेगा, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहा है चाय की। अरे कोबरा भाई रुको तनिक, बस तैयार हो रही है चाय, और तो नहीं चाहिए तुम्हें कोई? अरे नहीं नहीं काका, और आप आराम से दीजिए, इस उम्र में भी आप काम कर रहे हो। हाँ रुको जरा, मैं बस बना ही रहा हूँ, ये हो ही गई तैयार चाय, बस लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कड़क चाय जाता है, तुम मेरे पास ही आते हो ना बेटा, अब क्या बोलूँ। आ रहा हूँ बस रुको, बनी गई है बेटा चाय, कड़कदार बनती है, थोड़ी देर लगती है तुम्हें पता है। ये लो बेटा चाय, और तो नहीं चाहिए था ना तुम्हें कुछ? अरे नहीं नहीं चाचा, और नहीं चाहिए, आपकी चाय में तो जैसे जादू है। अरे कोबरा भाई, तुम्हें एक जरूरी खबर बतानी है मुझे, बहुत ही जरूरी। अरे जोकर, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सूचक हो ना मेरे, तो यहाँ कैसे आए? बैठो बैठो, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ तुम्हें चाय तो नहीं चाहिए बेटा? अरे नहीं नहीं काका, चाय चूहे की कोई जरूरत नहीं। अरे कोबरा भाई तुमसे एक बात कहनी थी, वो जो स्कॉर्पियन है ना, नया सुपर हीरो। अरे हाँ स्कॉर्पियन, मैं जानता हूँ उसे, बोलो क्या बात है? अरे उसने तबाही मचा दी है सारी कलहारी में, हाहाकार मचा दिया है। क्या उसने हाहाकार मचा दिया है? लेकिन वो तो रक्षक हुआ करता था, लेकिन अब वो भक्षक बन चुका है, इसलिए उसका खात्मा अब मैं स्वयं करूँगा अपने हाथों से। बेटा अब हमारा क्या होगा, जब ये दोनों सुपर हीरो लड़ेंगे तो तबाही होगी। अरे हाँ काका वो तो है, लेकिन कोबरा है ना, तब तक डरने की बात नहीं। तबाही होगी तबाही, स्कॉर्पियन से पंगा मतलब तबाही। छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हें, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तू तो मरेगा मेरे हाथों से, तूने मेरे बीवी के हत्यारे के साथ दिया है ना, तू भी था उसके साथ, और अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। अरे बचाओ कोई, बचाओ कोबरा, हमारे हीरो कहाँ हो तुम, बचाओ मुझे, बचाओ। कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें मेरे से, मरेगा तू। वाह दीदी, तुम खाना बहुत ही शानदार बनाती हो। शुक्रिया भैया, ये बस थोड़ा ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बहन काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए तो ये मुझे रोज़ अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अरे तुम भी ऐसे ही बोलते रहते हो कोबरा, ऐसी बात नहीं है भैया, चलो तुम हाथ धो लो और कोबरा तुम भी खा लो खाना। अरे ये क्या, जैसे लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई खतरे का आभास हो रहा है। अरे कोबरा क्या हुआ तुम्हें?
अरे अरे कुछ नहीं, मुझे बस यूं आभास हो रहा है कि कोई खतरे में है और जोर जोर से मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए कोबरा, मैं तुम्हें एक बात भी बताना चाहती हूँ कि तुम बाप बनने वाले हो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। एक तरह से खुशखबरी सुनाई ना, और देखो कितनी जल्दी में होता है, ये देश को बचाने के चक्कर में होता है। कोई ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। मरेगा तू बे, मरेगा स्कॉर्पियो के हाथे से। कोई है जो मुझे बचाएगा? मैं बचाऊंगा तुम्हें। अब मैं आ गया हूँ ना यहाँ पर, तो तुम्हारा कोई भी पाल बाका नहीं कर सकता। और स्कॉर्पियन, तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि अच्छाई के रास्ते पर चल, लेकिन तू नहीं माना। अब अपना जाम भुगत। अच्छाई के रास्ते में चलकर फायदा कुछ नहीं है। मैं पहले अच्छाई के रास्ते में ही चल रहा था, तो क्या हुआ, मेरी बीवी को किसी ने मार दिया। मुझे नहीं चलना है ऐसे रास्ते पर जहाँ सुख न मिल सके। इससे अच्छा मैं बुरा ही ठीक हूँ। और कोबरा, तू मेरे रास्ते में मत आ, मार डालूंगा इसे भी और तुझे भी। जो कोई भी बुराई फैलाता है उसके रास्ते में मैं दीवार बनकर खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए अब तेरा आतंक यहीं खत्म कर दूंगा मैं। तेरी मौत के साथ तेरी ये काली शक्तियाँ और ये तेरा साम्राज्य भी खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा लग जाएगा पता, ये बचाता है तुझे कि ये तुझे मारे। कोबरे, आज तू मेरे जाल में फंस गया है, मरा ना मेरे हाथों से। हमसे पंगा लेने के चक्कर में था तू, मेरे बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। अरे अरे राहुल कहाँ हो? ये राहुल पता नहीं कहाँ होगा। राहुल, अरे देखो सोया हुआ अभी तक। अरे बेटा राहुल उठो। अरे माँ क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो मुझे इतने सुबह सुबह? अरे बेटा तुम्हें जाना नहीं है क्या कॉलेज? अरे हाँ माँ, शुक्र है कि आपने उठा दिया। लेकिन आज मेरा कॉलेज नहीं है माँ, लेकिन मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, उसने मुझे बुलाया था कॉफी शॉप पर। अरे मैं भी ना ऐसे ही जल्दी उठा दिया तुम्हें। चलो कोई ना, जाओ तुम कॉफी शॉप। अरे हाँ माँ ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। हाँ बेटा ध्यान से जाना। अरे हाँ हाँ माँ, मुझे क्या होगा वैसे भी। अरे रुको, तुमने खाना तो खा लिया ना? अरे अरे माँ खाना नहीं खाया माँ, लेकिन आकर खा लूंगा ना माँ, अभी चलता हूँ। वैसे भी देखता हूँ कि बाहर ही ब्रेकफास्ट करूँगा। अरे बेटा नहीं नहीं, टिफिन ले जाओ मेरे हिसाब से तुम। अरे ना माँ ना, बस करो अब, मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं चलता हूँ अब। ठीक है माँ, चलो यार जल्दी चलता हूँ। मेरा भाई कॉफी शॉप पर मेरा वेट कर रहा होगा, वो रहा। अरे और भाई रोहित, देख मैं आ गया। अरे भाई तू आ गया, बैठ जा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं आ गया। बोल, तू कह रहा था ना कि कोई जरूरी बात करनी है तुझे मुझसे, तू बता मेरे भाई क्या बात है। अरे जरूरी बात क्या करनी है भाई, तूने बोला था ना कि पता करना तेरा पापा कौन है। अरे मुझे इतना पता नहीं लगा, लेकिन बोलते हैं कोई सुपर हीरो था वो। अरे यही तो मैं भी सुनकर थक चुका हूँ कि आखिरकार मेरे पापा कौन से सुपर हीरो थे और उन्होंने क्या क्या किया है। लोग भले ही उन्हें सुपर हीरो कहते होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता है। अरे मुझे लगता है तुम्हारा मामा जानता होगा, जो मामा है ना तुम्हारे, उनके पास जाओ, वो सारे कुछ जानते होंगे। तुमने सही कहा मेरे भाई, मेरे मामा मेरे पिताजी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानते होंगे, और वही मुझे सारी सच्चाई बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब चलता हूँ मैं। ठीक है भाई, कोई जरूरत होगी बोलना। ठीक है। ये रहा मामा का घर, अब मामा ही मैं जो मुझे पिताजी के बारे में सारी सच्चाई बता सकते हैं। अरे मामा जी, अरे मामा जी। अरे हाँ हाँ बोलो भांजे, कैसे आना हुआ? अरे मामा जी मुझे ये जानना है कि मेरे पिताजी कौन थे। अरे भांजे वो एक सुपर हीरो थे और वो एक योद्धा की मौत मरे हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ओ तो आपको भी कुछ नहीं पता है, कौन है मामा जी, आप मुझे बताएगा कि मेरे पिताजी कौन थे? वक्त रहते वो तुझे खुद पता लग जाएगा। ठीक है मामा जी, ठीक है।
अरे अच्छा हुआ आज मैं जल्दी ही उठ गया, हाथ मुंह धोकर मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ और मुझे कॉलेज के लिए देर भी हो रही है। अब माँ को बोल देता हूँ कि मैंने माँ के लिए नाश्ता और चाय रख दी है। अरे माँ सुनिए। अरे हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। अरे माँ मुझे कॉलेज जाना है ना आज, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ माँ, और मैंने आपके लिए नाश्ता और चाय रख दिया माँ बाहर बनाकर, आप खा लेना माँ, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तू जा रहा है ना। अरे हाँ हाँ माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और चलो यार चलता हूँ। अरे बेटा बेटा। अरे अरे माँ क्या हुआ। अरे बेटा तुमने पैसे लिए क्या। अरे हाँ माँ ले लिए थे, अपने कल तो दिए थे ना, वही है मेरे पास, मैंने खर्च नहीं किए थे। ठीक है माँ अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है काफ़ी। अरे ठीक है बेटा जाओ, तुम ध्यान से जाना ठीक है ना। ठीक है माँ बाय बाय। बाय बाय बेटा, अपना भी ध्यान रखिएगा और यूँ यूँ बात बात पर वो मत होइएगा नाराज, आप दुखी होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ, हमेशा खुश रहिएगा। जाओ जाओ तुम बेटा ध्यान से। ठीक है माँ चलो यार चलता हूँ, मुझे मेरे पिताजी के बारे में तो पता नहीं लगा, लेकिन आखिरकार वो थे तो एक सुपर हीरो ना, चलो कोई ना। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ आ गया मैं, ये कौन सी दुनिया है, आज से पहले तो मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी। अरे कोई है क्या, अरे कोई है, मैं यहाँ कैसे आ गया, अरे कोई है क्या भाई यहाँ पर, अरे परे जो मुझे बता सके कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी माँ मेरे घर पर राह देख रही होगी और मैं यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गया, कोई है क्या, कोई है जो मुझे इसके बारे में बताएगा कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया है इधर। अरे आपने, लेकिन मैं तो एकदम से अपने घर के पास था ना, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा और फिर अचानक यहाँ पर पहुँच गया, ये कैसे कैसे हुआ। ये हमारी माया है बेटा साहब, चिंता मत करो, हम हैं नाग राजा, उस कोबरा जो तुम्हारे पिता था ना उसको हमने ही शक्तियाँ दी थी, वो ही रक्षक था फ्री फायर का, लेकिन अब वो मर चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जगह लो। अरे क्या आप मेरे पिताजी के बारे में जानते थे और आप ही हैं जिन्होंने वो शक्तियाँ दी थी उन्हें। हाँ पुत्र अब तुम भी, तुम्हारी उम्र भी 21 वर्ष हो गई है, इसलिए हम तुम्हें भी वो शक्तियाँ दे रहे हैं, जाओ और रक्षा करो फ्री फायर की। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा सारा अवतार ही चेंज हो गया और मुझे अपने भीतर शक्तियों का भंडार महसूस हो रहा है। पुत्र जाओ अब से तुम कोबरा बन गए हो, इस शहर के नए कोबरा आज से तुम हो, इसलिए आज से फ्री फायर की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। शुक्रिया नागराज शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बताने का कष्ट कीजिए कि मेरे पिताजी को मारा किसने था आखिरकार। उसे मारा था स्कॉर्पियो ने और उसी को खत्म करना है तुम्हें, क्योंकि वो बहुत तबाही कर रहा है। ठीक है नागराज जैसा आप कहें, आप देखिए मैं उसको कैसे सबक सिखाता हूँ। हम हैं यहाँ के नए बॉस स्कॉर्पियो, कोबरा को मारने के बाद हमारा कोई भी बाल बांका नहीं बचता। आ गया हूँ स्कॉर्पियो तेरा खात्मा करने, देख उस कोबरा का बेटा मैं आ चुका हूँ तेरे पास तेरी मौत लेने, तूने मेरे पिताजी को मारा था ना, आज उनकी मौत का बदला लूंगा मैं। अच्छा अरे ये कहाँ गायब हो गया, जहाँ जाना है जा, तेरी मौत बनकर मैं तेरे पीछे आता रहूंगा। हमसे होशियारी दिखा रहा था, जानता नहीं स्कॉर्पियन क्या चीज है, हमें नहीं पकड़ पाएगा तू। कोबरे साला इसको तो मार दिया, लेकिन बेटा हमसे बदला लेने आया, देखो देखो। तू जहाँ जहाँ जाएगा स्कॉर्पियन वहाँ वहाँ मुझे पाएगा, और तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है, तेरे मरने का समय आ गया है, इसलिए तैयार हो जा मरने के लिए। अबे साले मरेगा मेरे हाथों से, निकल जा यहाँ से, हम कह रहे हैं स्कॉर्पियन से पंगा, मतलब तुम्हें पता है स्कॉर्पियन क्या कर सकता है, हमारे डंक से तुम चकनाचूर हो जाओगे। हमारे डंक से अच्छे अच्छे ने पानी नहीं मांगा है, और तू हमें डसने चला है, तू जानता नहीं कि हम में इतना जहर भरा है ना कि मैं पूरी पृथ्वी को ही जला सकता हूँ। अच्छा मरने के लिए तैयार हो जा, लेकिन हाँ साले दिखाता हूँ तुम्हें अपनी पावर,
ये ले बे। तो ये ले बे। अब जाकर मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। तूने उन्हें धोखे से मारा था ना, लेकिन आज उनके बेटे ने उनकी मौत का बदला ले लिया है। आज से इस फ्री फायर पर कोई आतंक नहीं मचाएगा। तो हे यारो, अगर आखिर तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ करके नीचे कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ करके।